सनातन धर्म मंदिर मोरिंडा में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के चौथे दिन संतोष जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाया गया, जिसमें कृष्ण रासलीला की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। इस मौके पर विजय कुमार टिंकू, कुसुम शर्मा, पवन कुमार शर्मा, कैलाश कौशल, कामरेड काका राम, धर्मवीर शर्मा, राजेश टोनी, पंडित सतीश कुमार, राजेश सूद, कृष्णा देवी, नीलम कौशल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद थे। मंदिर मोरिंडा में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, उसकी चतुर्दिवस्था आज हमने महापुरुष तत्व के विषय में श्रवण किया। गुरु किसको बनाना चाहिए और गुरु को कैसे पहचाने, तत्पश्चात आज हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव का पालन किए। आज भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए कंस के कारागार में, और वहाँ से वसुदेव जी लेकर नंद बाबा के यहाँ उन्हें छोड़कर योग माया जी को लेकर पुनः कंस में कारागार में आए। तो आज वो शुभ दिन है, इसलिए हम सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव मनाए, खूब नाचे गाए, और सब लोगों ने यहाँ मोरिंडा के भक्तजन तरह तरह के नृत्य आदि से, रासलीला आदि से सबको और बहुत आनंदित किए। उसी का आज हम लोग खूब भर भर के आनंद लिए। ऐसे ही कल हम लोग और आनंद लेंगे, कल हम गिरिराज महोत्सव पालन करेंगे, और अब 3 दिन ही बचे हैं कथा के। तो हम सब मोरिंडा वासियों से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे समय पे आए। समय 3 बजे से 6 बजे तक होती है। आप लोग यहाँ पे आकर इस कथा का लाभ लें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं।